हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद्रा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके मनोरंजन स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप क्लास ट्वेल्थ में पढ़ने वाले स्टूडेंट हो तो आपके लिए खासकर वीडियो है। दोस्तों, वैसे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सभी स्टूडेंट देख सकते हैं, सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है फिजिक्स का जो प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। तो कह रहा है, अब देखिए ध्यान से यहाँ पर दोस्तों, आज यह पार्ट नंबर वन चलेगा, क्लास ट्वेल्थ भौतिक विज्ञान मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। कक्षा 12 के लिए यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले प्रश्न नंबर मैंने पहला लिया है, कह रहा है कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। दोस्तों, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका हम लोग हल सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फिजिक्स का सवाल हल करने से पहले मैंने आपको बता देता हूँ कि प्रश्न में जो दिया रहता है उसको सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है दोस्तों, ठीक है, क्या दिया है उसे लिखते हैं। यहाँ पर देखिए, जो कूलम बोला है वह किस राशि का मात्रक होता है दोस्तों, आवेश का। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है, ठीक है। तो एक कूलम बोला है तो हम इस कूलम को देख कर बताएंगे कि यह किसका मान दिया है, आवेश का। और आवेश को आप कैसे दर्शाते हैं, क्यू से। यहाँ पर लिखेंगे आवेश क्यू बराबर क्या, एक कूलम। उम्मीद है कि बात आपके समझ में आ रही होगी। फिजिक्स का सवाल जो भी हल करना है, चाहे कक्षा 9th का फिजिक्स हो, चाहे 10th का, चाहे 12th का, चाहे 11th का, तो प्रश्न फिजिक्स का हल करने से पहले उसको सबसे पहले पढ़ते हैं, इसके बाद दिया है लिखते हैं, मतलब क्या क्या दिया है, ठीक है। तो आपके पता है कि यहाँ पर कूलम है, तो कूलम को देखकर ही पता करेंगे कि किस राशि का मान इस प्रश्न में दिया है, भाई किस राशि का मान दिया है। तो जो कूलम होता है वह आवेश का मात्रक होता है, ठीक है, जिसे हम क्यू से दर्शाते हैं, क्यू बराबर एक कूलम। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या को एन से दर्शाते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसे दर्शाते हैं, एन से। और आपको पता है ई का जो मान होता है 1.6 × 10⁻¹⁰ क्या होता है, माइनस का 19 होता है, 19 का कूलम होता है, ठीक है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम होता है, ई का मान फिक्स रहता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो इस एक फार्मूला जानते हैं आप, यहाँ से लिखेंगे चूँकि सूत्र से, ठीक है, सूत्र से। सूत्र क्या होता है दोस्तों, क्यू बराबर या नहीं, क्यू बराबर क्या होता है, या नहीं। अब यहाँ से क्यू का मान कितना दिया है, एक, एन का मान पूछ रहा है, और ई का मान कितना दिया है, 1.6 × 10⁻¹⁰ कितना होगा, माइनस का 19 कूलम, ठीक है। अब हमें एन का मान चाहिए, तो इधर आप देख सकते हो ये क्या है, गुणा में है। जब ये गुणा में है दोस्तों, तो इधर क्या होगा, भाग होगा, एन बराबर एक, अब बटा में क्या हो जाएगा, 1.6 × 10⁻¹⁹ कितना, माइनस का 19, ठीक है। मतलब इधर गुणा है तो इधर क्या बनेगा, भाग बनेगा, ठीक है। अब दोस्तों, यह दशमलव गायब करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताते हैं, कि दशमलव गायब करने के लिए अंश हर में कितने से गुणा करना पड़ेगा, 10 से। तो एन बराबर 1 × क्या होगा, 10, अब बटा में दशमलव गायब करने के लिए अंश हर में हमें क्या करना पड़ेगा, 10 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। अगुड़ते 10⁻¹⁹ रहने दीजिए, ठीक है, पहले से था। अब देखिएगा दोस्तों ध्यान से, अब क्या करेंगे, यहाँ से बताते हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ से इम्प्लाइज दैट 10 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 10 होगा बटा में, अभी 1.6 का 10 में गुणा करेंगे, दशमलव से दशमलव के दशमलव 10 का गुणा करेंगे, दशमलव गायब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर केवल बचेगा 16, अब गुणते हैं 10⁻¹⁹, अब उसे अंश में भेजेंगे तो 10⁻¹⁰ का हो जाएगा, 19 का प्लस हो जाएगा, ठीक है। 19 से क्या बनेगा दोस्तों, प्लस। अब समझिएगा ध्यान से, n बराबर, अब यहाँ से सरलतम करिए, 2 × 5 = 10, 2 × 8 = 16, तब 5 बटा क्या होगा दोस्तों, 8, अब गुणते 10⁻¹⁰ का होगा, 19 होगा। 5 में 8 का क्या करेंगे दोस्तों, भाग देंगे, ठीक है। तो 5 में 8 का भाग देते हैं, तो भाग देंगे 5 में 8 का, तो कितना आएगा हम आपको बताते हैं मेरे भाई, 0 पर भाग जाएगी, दसवें बढ़ा के 8 × 6 = 48, ठीक है, 8 × 6 = 48 हुआ,
दो, 8 × 2 = 16, 4 बचा फिर 0, 8 × 5 = 40, मतलब भाग देंगे तो n बराबर कितना आएगा 0.625, ठीक है। अब गुणते कितना होगा 10^19, आ रही बात समझ में। अब क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ 0.625 है तो इसका लिखेंगे मानक रूप, ठीक है। तो मानक रूप क्या होता है दोस्तों, हम आपको बताते हैं मानक रूप क्या होता है, हम आपको बताते हैं, देखिएगा ध्यान से। n बराबर 0.625 है तो दशमलव यहाँ होना चाहिए, दशमलव से पहले एक अंक होना चाहिए, उसी को मानक रूप कहा जाता है। तो यानी 6.25 गुणते 10^10 क्या होगा -1, दशमलव यहाँ आएगा तो -1 लिखेंगे आप, ठीक। अब गुणते 10^+19 सही है, अब 19 आए घटा दीजिए कितना बचेगा दोस्तों, n बराबर बचेगा 6.25 आप गुणते 10^ का होगा तो 18, ठीक है। तो यह आपका रहा दोस्तों करेक्ट आंसर। उम्मीद है कि यह प्रश्न आपके जरूर समझ में आया होगा, इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आपको अगला प्रश्न बताते हैं, ठीक है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा हाल में, सबसे पहले हम जानेंगे कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कैसे दर्शाते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम किसे दर्शाते हैं, यन से दर्शाते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किसे दर्शाते हैं, यन से दर्शाते हैं दोस्तों। और जो आवेश होता है, आवेश होता है वो से हम क्यू से दर्शाते हैं। और तीसरा पॉइंट याद रखना दोस्तों, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है दोस्तों, तो आपके याद रखना इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वह 1.6×10^-19 कूलाम होता है, कूलाम को हम सी भी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कूलाम क्या है दोस्तों, मैं बताऊँगा आपको, कूलाम आवेश का मात्रक होता है, ठीक है। तो इतनी बातें आपके समझ में आनी चाहिए तभी सवाल हल हो पाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को आप अंदर आएंगे तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या 12.5×10^+18 दिया है, इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना, तो मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतना दिया है, तो यहाँ से लिखेंगे दिया है, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया इलेक्ट्रॉनों की संख्या यन बराबर दिया है 12.5×10^18 का, ठीक है, दिया है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम यन से दर्शाते थे, यन बराबर 12.5×10^18 होगा 18, ठीक है। और हमें आवेश पूछ रहा है, आवेश क्यू का मान हमें क्या कर रहा है, पूछ रहा है, ठीक है। आवेश क्यू का मान हमें पूछ रहा है और ई का मान आपको तो पता है फिक्स होगा, 1.6×10^-19 कूलाम होता है, ठीक है। और फार्मूला इसमें क्या होता है दोस्तों, चूंकि सूत्र से, ठीक है, सूत्र क्या होता है दोस्तों, क्यू बराबर एन आई, तब यहाँ से क्यू बराबर एन का वैल्यू कितना है 1.6×10^-19, ई का मान कितना है, एन का मान तो यहाँ से रखेंगे 12.6×10^-19 और गुणते ई का मान रखेंगे 1.6×10^-19 कूलाम, ठीक है। उम्मीद है कि आपके पास समझ में आ रहा होगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, 12.6×10^-19 और गुणते 1.6×10^-19 कूलाम। अब इसका हमें गुणा करना है तो 12.5 है, यहाँ पर 12.5 है तो यहाँ निकाल लीजिएगा, 5 ही लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि गुणा गलत हो जाएगा, फिर से गुणा करिए, मतलब 12.5 में 1.6 से गुणा करना, 6×5 = 31 को 0 80 लगाए, 6×2 = 12, 13×3 80 लगाए, 6×6 = 7, 1×5 = 5 हो जाएगा, 1×2 = 1 तो 0, और यहाँ पर यहाँ पर 15 होगा दोस्तों, ठीक है,
क्योंकि 6 5 3 0 80 3 अच्छा दुना के 12 12 3 15 5 अच्छा कम 6 7 एक 5 5 2 9 कम 0 हो जाएगा 5 5 10 0 7 2 9 10 1 2 दसमलव का अंक लगेगा 1 2 मतलब दसमलव यहाँ लगेगा मतलब इसे लिख सकते हैं 12.5 और गुड़ते 1.6 गुड़ते प्लस 18 -19 तो -1 बचेगा ठीक है क्योंकि अभी 18 और -19 जुड़ जाएगा तो -1 बचेगा। अब इसका गुणा आपने किया तो कितना आया है 20.00 गुड़ से 10^-1 ठीक है। तो 10^-1 का मतलब आपको बता देते हैं, ये भी बता देते हैं आपको 20.00 गुड़ से 10^-1 का मतलब होता है केवल 20। क्यू बराबर क्या दिया है 20^-10^-21 ठीक है। 20 को क्या लिख सकते हैं क्यू बराबर 2^10 एक घात और गुड़ते 10^-1 माइनस 1 है तो ये -1 कट जाएगा तो क्यू बराबर क्या बचेगा केवल 2 कूलाम 2 सी लिखने का मतलब कूलाम ठीक है। तो यह करेक्ट आंसर है दोस्तों। उम्मीद है कि यह प्रश्न आपके जरूर समझ में आया होगा तो नोट कर लीजिए दोस्तों। तो क्लास 12 भौतिक विज्ञान से रिलेटेड इसी प्रकार के प्रश्न आते रहेंगे। यदि दोस्तों यदि क्लास 12 में यदि आप पढ़ रहे हैं आपके समझ में आ रहा है तो कमेंट लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा दोस्तों ठीक है। इसका प्लेलिस्ट भी हम बना देंगे दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।